परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपा कर। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुम्हें कहता हूँ। तुम ध्यान, यह पद्म परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अंततः हरिवासवार अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप जिस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा जिस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा अपने शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण कहने लगे, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधिवत प्रकार से वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति समेत इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंततः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने बलि से तीन पग भूमि की याचना करते हुए कहा, यह मुझको तीन लोक के समान है। हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर तीन पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह, ग्रहण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष सभी सब नागणों से विधिवत प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि पर हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद में पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नर्मता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से
कहने के बाद भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी शी सागर में शेष नाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा चांदी चावल दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए जय श्री हरि।